जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी अपडेट आ रही है, बढ़ रही पेंशन मिल रहा है सम्मान। वही बात करते हैं, बुढ़ापे में मिलने वाले जेब से खर्च अमूल होता है और बुजुर्ग माता पिता इसे रात का गहना मानते हुए बहुत संभाल कर रखते हैं। उम्र के इस पड़ाव में जितना सारा लाठी का होता है, सच मानिए उतना ही सारा इस जेब का भी होता है। घर परिवार में बाल बच्चे ना हो तो ये मामूली राशि और बड़ी लग जाती है। रसोई खर्च के अलावा कभी दवा की ज़रूरत होती है तो कभी किसी फल की इच्छा होती है, ऐसे वक्त में मामूली भत्ता बड़ा सहारा होता है। दिल संकोच कर भी नहीं रखना पड़ता है, आत्मसम्मान की अनुभूति होती है। और हरियाणा में वृद्धावस्था सम्मान भत्ता की शुरुआत 100 रुपये मासिक की राशि से हुई थी। 2014 में यह राशि 1000 रुपये हो गई थी और मनोहर लाल खट्टर सरकार बढ़ने पे 2500 रुपये हो गए थे। आगामी 1 अप्रैल 2023 से मासिक पेंशन 2750 रुपये हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में 18.5 लाख के लगभग 460 करोड़ रुपए की प्रतिमा प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वित्त वर्ष 2023-24 में बजट वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय की पात्रता सीमा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए वार्षिक कर दिया है। भविष्य में जो व्यक्ति 60 वर्ष की आयु हो जाएगी तथा उसकी पति पत्नी और आय 3 लाख रुपए वार्षिक से कम होगी, उनकी पेंशन स्वतः शुरू हो जाती है। इनमें से केवल पेंशन लेने की सहमति ली जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सीधा संवाद की श्रृंखला में सम्मान भत्ता के नए लाभार्थियों की संवाद भी किया है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।